नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCS पाठशाला के YouTube चैनल पे। स्वागत करते हैं आपका करंट अफेयर्स के इस सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और जो भी आसपास देश दुनिया की खबरें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो मैप अपने साथ रखिए, पेन एंड पेपर साथ में रखिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास स्टार्ट हो, आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, आप इसे खुद भी पढ़िए, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। इफ़ यू कंटिन्यू टू थिंक द वे यू हैव ऑलवेज थॉट, यू विल कंटिन्यू टू गेट वट यू हैव ऑलवेज गॉट। मतलब कि अगर आप अपने सोचने का तरीका, अपने काम करने का तरीका नहीं बदलते हैं, तो कोई ज़्यादा चीज़ आपको नहीं मिल पाती है। मतलब ये कहने का है कि जैसे मान लीजिए आप अभी तक 4 घंटे पढ़ाई करते थे, तो आपको 4 घंटे पढ़ाई करने पे आप अपनी परीक्षाओं में कुछ एक मार्क से कम रह जाते थे सिलेक्शन से। तो अगर आप वही मेथड एकदम अपनाते हैं, उसी तरीके से रहते हैं, ना तो रिवीजन को बढ़ाते हैं, ना तो आप कंटेंट अच्छे पकड़ते हैं, अगर आप ऐसे ही तरीकों पे लगातार काम करते रहते हैं, अपने मेथड्स को नहीं बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से आप समझते हैं या जितनी अपेक्षा आप करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू शुड हैव अ प्लान, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़रूरी है कि यू शुड चेंज द वे। अगर मान लीजिए कि 3 आवर्स यू आर स्टडिंग एंड यू आर गेटिंग लाइक लेस 3 और 4 मार्क्स, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज द मेथड्स ऑफ स्टडिंग ना, ऑल्सो यू हैव टू इंक्रीज द आवर्स ऑफ रीडिंग, ठीक है ना। मतलब कि आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि व्हेन यू चेंज राइट देन यू गेट समथिंग एक्स्ट्रा। क्योंकि अगर एक ही ट्रैक पे चलते रहेंगे, एक ही ट्रैक पे चलते रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी मंजिल से हमेशा पीछे रह जाएं। और एक चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए आप एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, एंड द सोसाइटी इज़ इंक्रीजिंग, सोसाइटी इज़ ग्रोइंग डे बाई डे ना, थिंग्स आर चेंजिंग, तो आपको कहीं ना कहीं उनसे कॉम्पिटिशन करने के लिए भी अपने आप में चेंजेस लाने होंगे, अपने मेथड्स को चेंज करने होंगे, ठीक है। चलिए आज बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन कौन सी खबरें पढ़ेंगे, एक तो हम लोग आज रेड टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये रेड टूरिज्म क्या है, ठीक है, चाइना इससे कैसे रिलेट कर रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा जो है, अभी अमेरिका ने क्या किया है, भारत समेत अन्य देशों पर जो एक डिजिटल सर्विस टैक्स लगाना था, वो लगाने की बात कर रहा था, उसे 6 महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है, मतलब निलंबित कर दिया है। क्या है पूरी कहानी, हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ये जो सिविल सेवकों के लिए जो पेंशन नियम है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जो पेंशन दी जाती है, देर आर सम चेंजेस, उनमें चेंजेस हैं, ठीक है। जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, उसके अधिनियम के बारे में भी बात करेंगे, क्या चेंज हुआ है, इस पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। एक और न्यूज़ आपके लिए है, चाइना ने दूसरा सूर्य बना लिया है, मतलब कि सूर्य जैसा ही एक नया सूर्य बना लिया है, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य से भी 10 टाइम्स उसका टेम्परेचर है, ठीक है, डिस्कस करेंगे क्या है। और उसने ट्रायल करके मोर देन 100 सेकेंड जो है उसको ट्रायल भी किया है, कि जो एकदम अपने मानक पे खरा भी उतर रहा है, ठीक है। जूही चावला जी ने 5G के खिलाफ याचिका दायर की थी दिल्ली कोर्ट में, उसे खारिज भी कर दिया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि इनके ऊपर पनिशमेंट भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उस पर लग गया है। लेट्स सी क्या पूरी खबर है, बताते हैं। IIT रोपर वालों ने क्या किया है कि एंटी टैग विकसित किया है थिंक डिवाइस, ठीक है, क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की खबर में इफ्को, आप जानते ही हैं इफ्को के बारे में, ठीक है। इफ्को ने एक नई तकनीक का प्रयोग करते हुए एक नैनो यूरिया विकसित की है। नैनो यूरिया के नाम से ही पता हो रहा होगा, जैसे आप यूरिया 50 kg डालते हैं खेत में, तो नैनो यूरिया जो है वो बॉटल में ही मिल जाएगी, और वो उतना ही काम करेगी जितना कि अभी तक यूरिया जो आप डालते थे, ठीक है, वो काम करती है। तो क्या है नैनो यूरिया, किसने विकसित किया हुआ है, इन सब बारे में डिटेल में डिस्कशन अभी करेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखिए, एक कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की गई है कवच के नाम से। तो कवच किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो पीपी किट होती थी, मास्क होते थे, तो इनको क्या किया जाता था, एक बार यूज करके फेंक दिया जाता था। अब हमारे पास प्रणाली है जिससे कि क्या कर सकते हैं, इनको सैनिटाइज कर सकते हैं, इनको एकदम फ्रेश फिर से क्या कहते हैं, बैक्टीरिया रहित कर सकते हैं, वायरस रहित कर सकते हैं, और फिर से रीयूजेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे क्या है पूरी कहानी इसके बारे में भी।
आईसीएमआर ने हाल ही में एक और किट को मंजूरी दे दी है, ठीक है, स्वपरीक्षण कोरोना किट। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक और किट के बारे में बात किया था, जिससे आप अपने घर पे ही क्या कर सकते थे, परीक्षण कर सकते थे। एक और किट को मंजूरी दे दी है आईसीएमआर ने, ठीक है। 1 जून को आपने विश्व दुग्ध दिवस मनाया है, ठीक है। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस भी किया था अमूल और पेटा की कहानी, ठीक है। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा है तो आप रेगुलर पैटर्न पे जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं उन्हें देखते रहा करिए, अपडेट्स रहेंगी आपके मन में और साथ ही एग्जाम में आपको बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। रेड टूरिज्म जो हाल ही में खबरों में था, वह किस देश द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि चाइना की बात थी और रेड टूरिज्म किससे रिलेट कर रहा था, वो चाइना से रिलेट कर रहा था। तो आंसर तो आपको तुरंत का तुरंत मिल गया कि रेड टूरिज्म की बात अगर की जाएगी तो कौन सा देश है जो इसको बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है, तो वो चाइना है। क्यों बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, ये न्यूज़ में भी दिया गया है कि जो है रेड टूरिज्म को प्रमोट करेगा चाइना। एक्चुअली हुआ क्या कि चाइना में जो पार्टी रूल करती है, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, ठीक है, वो अपने पूरे के पूरे 100 वर्ष पूरा करने वाली है। तो ये जो माओवाद, मतलब जो क्या कहते हैं कम्युनिज्म का, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जिसने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो इस 100 वर्ष की खुशी में चाइना अपने से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन, जो चाइना को स्वतंत्र कराने में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए थे उनमें जितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनको टूर कराने का, उनको लोगों को घुमाने का जो प्रयास है, उसी को रेड टूरिज्म कहा जा रहा है। आप में से भी अगर किसी को चांस मिलता है तो आप जा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो रेड टूरिज्म बेसिकली अगर पूछा जाए तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे कि जो साम्यवाद था, दे जो चाइना की व्यवस्था है, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उन्हें घुमाने का जो प्लान है उसे ही रेड टूरिज्म कहा जा रहा है। तो चाइना में जो पार्टी रूल करती है वो कब, कौन सी पार्टी रूल करती है, कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वहाँ पे रूल करती है। तो देखिए, ये चीज़ें जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल हैं उन्हीं को बढ़ावा देना है। अच्छा, अगर उनको घुमाएंगे तो इससे क्या बढ़ेगा, इससे पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है, और स्थानिक जो व्यवसाय हैं, जो लोकल जो बिजनेस होते हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। इस तरीके से एक तरीके से पैट्रियटनेस, मतलब कि भाई चाइना के लोग जाएंगे घूमेंगे तो उन्हें जानकारी भी होगी, अवेयरनेस भी होगी। ये ऐसा स्थान है जिसे आप देख सकते हैं, यनान एक ऑप्शन है, वो क्या कहते हैं जगह है जो माओ जेदोंग से रिलेटेड है। माओ जेदोंग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। माओ जेदोंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो रेवोल्यूशन में शामिल थे। अगर हम लोग जब भी चाइना की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर माओ की बात ज़रूर होती है, ठीक है। तो हम लोग, हालांकि माओ एक ऐसे लीडर थे जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा नहीं लिखा गया है। माओ जो कि क्या कहते हैं माओवाद स्थापित करते हैं, मतलब कि जो एक तरीके से साम्यवाद शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने जिसकी किताबें और जिसको फॉलो करके साम्यवाद चालू किया उसको पूरी तरह से फॉलो ही नहीं किया। आगे चल के हम आपको बताएंगे क्या था। ये दूसरी जगह है जिसे आप देखते हैं, शोशांग नाम की जगह है, ये उनका बर्थ प्लेस था। माओ जो थे वो बहुत ही क्या कहते हैं गरीब घर से, एक तरीके से बोल दिया जाए कि बड़े ही लोअर क्लास से पैदा हुए थे, और वो वहीं पर कृषि कार्य और ये सब करते थे, लेकिन वो पढ़ाई लगातार करते रहे और बाद में चल करके एक बड़े लीडर के रूप में सामने आए। अभी उनके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक नानहू लेक है जो कि साम्यवाद से जुड़ी हुई है, इसका भी विजिट करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ है, जब क्या कहते हैं चाइना में रनिंग गवर्नमेंट के विरोध में माओ जेदोंग ने विरोध किया था और बहुत लंबी यात्रा लगाई थी, तो वो जो उसमें शामिल हुए लोग थे उन सब ने जो यात्रा की थी फ्रीडम पाने के लिए, और जो तात्कालिक सरकार थी उसको चांगकाई सेक की जो सरकार थी उसको हटाने के लिए, तो उसी को लॉन्ग मार्च कहा जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग मार्च से रिलेटेड कौन था, माओ ज़ेडोंग रिलेटेड थे। और ये लॉन्ग मार्च में भी जितने प्लेसेस हैं इन पे भी टूर का प्लानिंग किया गया है। तो लॉन्ग मार्च के बारे में देखिए बातें भी लिखी गई हैं कि 1930 में माओ ज़ेडोंग जो थे वो एक तरीके से कम्युनिस्ट लीडर के रूप में सामने आए। माओ ज़ेडोंग के बारे में कहा जाता है कि ये जो है कार्ल मार्क्स से प्रेरित थे और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद जैसा ही साम्यवाद चाहते थे, लेकिन
एक बार की ऐसी कहानी है, स्टोरी है कि जब क्या कहते हैं ये लोगों को प्रेरित करने आते हैं, तो इन्होंने एक घोषणा की कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने जमींदार वर्ग हैं ना, उनकी हत्याएं कर दी जाएं और उनके जितने भी संसाधन हैं वो ले लिए जाएं, मतलब कि हड़प लिए जाएं। तो इनका मानना था, जैसे कार्ल मार्क्स भी मानते थे, कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर जनता का हक होना चाहिए। तो जब माओ जेदोंग ने ऐसी स्टोरी अपने लोगों को बताई कि उनकी हत्याएं कर दी जाएं और शामिल मतलब वहां उनके रिसोर्सेज को छीन लिया जाए, तो माओ जेदोंग के इस कहने पर बहुत से लोगों ने जमींदारों की हत्या कर दी और एक तरीके से तब पॉपुलैरिटी माओ जेदोंग की बहुत ही ज्यादा फैलती चली गई। ठीक है, और ये एक जगह है जिसे आप जगह का नाम भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कठिन है। यहाँ पे भी मैं पढ़ के बताता हूँ, जिगांगसांग। तो जिगांगसांग एक जगह है जो क्या कहते हैं वहाँ पे रेड टूरिज्म में ये भी शामिल होगी। उसके साथ साथ नानचांग नाम की जगह है, उसको भी रेड टूरिज्म के प्लेस में शामिल किया गया है, जो कि क्या कहते हैं जियांगजी प्रोविंस में, मतलब प्रांत में पड़ता है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब ये शुरू हुई थी, तो उसका हेडक्वार्टर मतलब कि जो प्लेस रखा गया था मेमोरियल के रूप में, अभी जो है जो कहते हैं जिगांग माउंटेन पे है जियांगसी प्रोविंस में, उस पे भी ये रेड टूरिज्म का प्लेस होगा, वहाँ पर भी लोग घुमाए जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो है मेन इसका मोटिव जो है वो क्या करना है, लोगों के बीच में जागरूकता और साथ में कोविड-19 के बाद कहीं ना कहीं चीज़ों को और नॉर्मलाइज करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, इस तरीके से क्या कहते हैं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो ये कार्यक्रम है वो चाइना द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया से ना 400 बिलियन युआन से अधिक का प्रोग्रेस होगा चाइना का। सो रेड टूरिज्म, अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन है, तो रेड टूरिज्म चाइना द्वारा प्रयास किया वो साम्यवाद के जो महत्वपूर्ण स्थल है उसको घुमाने का एक पूरा का पूरा प्लानिंग है। ठीक है, अगर माओ ज़ेदोंग के बारे में देखा जाए, तो माओ ज़ेदोंग चूंकि चाइनीज क्रांति के एक बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं, और मैंने कहा था कि ये कैसे तानाशाह थे जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। बहुत कम लिखा इसलिए गया है क्योंकि जब ये वहाँ पे लीडर बनते हैं तो इन्होंने मीडिया को बैन करवा रखा था वहाँ पे, कोई भी, आज भी वहाँ पे मीडिया नहीं है। तो जब इनके सामने मीडिया नहीं थी तो ये इन्होंने कहा था कि हमारे बारे में कोई भी कुछ बता नहीं पाएगा, और इस तरीके से वहाँ पे कोई भी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो पाई। वो तो इनकी डेथ के बाद इनके जो रिलेटेड लोग्स थे वो चाइना से हट करके कई दूसरे देशों में गए, तो उन्होंने, डॉक्टर्स थी, नर्सेस थी ना, ये सब जितने थे वो जा करके इनके बारे में जो जो स्टोरीज बताए उतना ही लोग जानते हैं। इनके इनका जन्म जो है 1893 में हुआ था। ठीक है, और इस तरीके से इनकी डेथ जो हुई थी वो 1976 में हुई थी, 81 ईयर्स में इनकी डेथ हुई थी। तो इस तरीके से माओ ज़ेदोंग के बारे में आप थोड़ी बहुत बात जान के रखेंगे। ठीक है, और जो क्या कहते हैं ये माओ ज़ेदोंग थे, इन्होंने कहीं ना कहीं साम्यवाद पे चर्चा की थी, और साम्यवाद ये किससे प्रेरित थे, मैंने कहा ये लेनिन को भी ये पढ़ रहे थे अच्छे, क्या कहते हैं इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ ऐसे मतलब फैक्ट के बारे में जानने को है, कि जब ब्रिटिश के राष्ट्रपति भी इनसे मिलने आए थे तो ये जो है बुक पढ़ रहे थे, तो बुक पढ़ने के बाद ही वापस बाहर आए। एक और इंटरेस्टिंग कहानी आप जान सकते हैं कि जैसे हम लोग टेबल कुर्सी पर पढ़ते हैं, ये बेड पे पढ़ा करते थे, और एक बार जब रशिया ये गए थे विजिट करने, तो इनका जो बेड था ना वो भी प्लेन में लद करके गया हुआ था, और वो बेड मतलब इनको नींद नहीं आती थी, अपने बेड पे ही पढ़ना था। तो आप देख सकते हैं ऐसे लोग, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरे जीवन कभी ब्रश नहीं किए ना। अब ये सब फैक्ट, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी मैंने आपको बता दिया, आप जान के रखिए। ठीक है, तो ये इन्होंने जो मार्क्सवाद को बढ़ावा दिया, और अंततः इन्होंने माओवाद नामक एक, क्या कहते हैं उसी का टेक्निक, मतलब उसी का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, तो माओवाद इन्हीं के नाम से फेमस हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको सारी बातें जो जाननी थी, ये लेनिन को भी पढ़ते थे मैंने आपको बता ही दिया, मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स से ये प्रभावित थे। ठीक है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो माओवाद कि जब जब चर्चा होगी, और जब जब क्या कहते हैं हम लोग मार्क्सवाद की चर्चा करेंगे, तो उनके फॉलोवर्स के रूप में आप माओ ज़ेदोंग को देख सकते हैं। चाइना से रिलेटेड हर स्टोरी जो है वो माओ ज़ेदोंग से रिलेटेड होगी लगभग। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप, आई होप आप बात को समझ पाए होंगे, माओ ज़ेदोंग के बारे में समझे होंगे, रेड जो क्या कहते हैं टूरिज्म है उसके बारे में आपने बातें समझी होंगी। चलिए
आज का दूसरा न्यूज़ जो आपके सामने है वो है कि जो हाल ही में एक देश है जिसने 6 महीने के लिए डिजिटल सेवा कर, मतलब कि जिसे आप डिजिटल सर्विस टैक्स मतलब DST कहते हैं, उसको निलंबित कर दिया है। तो ये भाई यूएसए ने किया है, भारत समेत कुछ देशों के लिए इसने कहा है कि 6 महीने का तक हम डिजिटल सेवा कर नहीं लेंगे। अब क्या कहते हैं, कैसे इस पर निर्णय होगा और क्या पूरी कहानी थी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो यूएस इन्वेस्टिगेशन इनटू डिजिटल सर्विस टैक्स एंड व्हाट इज द केस अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, स्टोरी भी छपी हुई है, ये आप देख रहे होंगे। ये जो है कैथरीन ताई जी हैं, ये क्या कहते हैं, एम्बेसडर यूएस ट्रेड जो डिपार्टमेंट है यूएस का, उसकी अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ही ये घोषणा की है कि 6 महीने तक के लिए हम रोक लगा रहे हैं, 6 महीने बाद विचार करेंगे कि हम इन देशों पर टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ये डिजिटल टैक्स की पूरी बातें जो हैं वो क्या हैं, हम इस पे आपसे चर्चा करते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या कि जैसे मान लीजिए, आपको यहाँ पे समझाते हैं, जैसे दो कंट्रीज हैं, मान लीजिए कंट्रीज ए और कंट्री ए और कंट्री बी। अब कंट्री ए में आप इंडिया को रख लीजिए और कंट्री बी में यहाँ पे आप यूएस को रख लीजिए। तो हुआ क्या कि जैसे कंट्री ए से कोई चीज़, जैसे आपके यहाँ अनाज होता है तो आप अनाज जो है वो यूएस को देते हैं, ठीक है, और यूएस के यहाँ अनाज मान लीजिए ज़्यादा नहीं है तो वो अनाज नहीं देता है, या अगर देगा भी तो मतलब वो एक्सपोर्ट करेगा। तो जैसे मान लीजिए इंडिया कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया के लिए ये एक्सपोर्ट है और इनके लिए ये है इम्पोर्ट हो जाएगा। ये बात तो बहुत ही बेसिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली कहानी क्या हुई, आपको मैं इसके पहले थोड़ा सा समझाता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं, जैसे अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, और ये हमारे यहाँ टैक्स नहीं देती हैं। तो आप पूछोगे सर टैक्स क्यों नहीं देती हैं, तो टैक्स नहीं देती हैं क्योंकि यूएसए इस बात का नियम ऐसा कुछ नहीं बना के रखा है, और भारत वालों ने भी इस पर कंसीडर नहीं किया। लेकिन जब भारत वालों की आँख खुली कि भाई इतना सारा ये पैसा कमा के भारत से जा रहे हो, हमको टैक्स नहीं देते हैं, ये तो गलत है, तो भारत ने क्या कहा कि भाई वो टैक्स हम इन पर लगाएंगे। और जब भारत ने ऐसे टैक्स लगाने की बात हुई तो अमेरिका जो है वो नाराज हो गया। अमेरिका ने कहा कि भाई आप क्यों टैक्स लगाओगे, जब आपके यहाँ से अनाज हमारे यहाँ आता है तो हम क्या उस पर कोई टैक्स लगाते हैं। तो हमने कहा भाई नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने कहा जब हमारे यहाँ अनाज एक्स्ट्रा नहीं है, हमारे यहाँ फेसबुक गूगल ऐसी कंपनियां हैं, तो हम उनको भेजते हैं आपके यहाँ, और उससे वो जो प्रॉफिट कमाएंगी क्या वो आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, या तो हम आप पे भी तो ड्यूटी नहीं लगाते जो आप प्रॉफिट कमाते हैं अनाज से और फ्रूट से। तो इसी तरीके से भारत ने भी सोचा हाँ बात तो ठीक है, लेकिन अब भारतीयों को ये बात बच नहीं रही थी कि भाई इतना सारा पैसा लेके जा रहे हैं, अब कैसे उन पर टैक्स लगाया जाए। तो भारतीयों ने कहा कि एक काम करो, इन पर एक टैक्स लगा दो। तो भारतीयों ने 2016 में ऐसी सारी कंपनियों को लपेट लिया जो टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, और उन्होंने उस पर एक टैक्स लगा दिया 6% का। उस टैक्स का नाम दे दिया इक्विलाइजेशन लेवी। इक्विलाइजेशन लेवी के नाम पर ये टैक्स जब लगा दिया तो कंपनियों ने कहा भाई क्यों लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर फेसबुक केवल अपना काम करे कि वो सोशल मीडिया की तरह काम करे तो चलेगा, लेकिन फेसबुक ऐड भी तो देती है दूसरों की, और दूसरों का जब ऐड देती है तो कहीं ना कहीं ये तो दूसरे का बिजनेस कर रही है, तो इसलिए हम उस पर 6% का टैक्स लगा देंगे। अमेरिका भी कुछ नहीं बोला और कंपनियों ने कहा चलो भाई ठीक है ठीक है। लेकिन थोड़े दिन बाद भारतीयों को ऐसा लगा कि भाई ये तो अभी भी ज्यादा कमा रहे हैं, और अभी भी ज्यादा कमा रहे हैं तो इन पे कुछ और टैक्स लगाना चाहिए। तो भारत के सरकार ने कहा कि काम करो इन पे एक और टैक्स लगाओ। एक और टैक्स कौन सा लगा दो, इन पे 2% का एडिशनल टैक्स लगाओ और उसका नाम रखो डिजिटल सर्विस टैक्स। तो अब बात जब कंपनी ने किया कि भाई अब क्यों लगा रहे हो 2% का एक्स्ट्रा टैक्स, तो उन्होंने कहा कि आप एक तो एंडोर्समेंट से कमाते हो, मतलब ये जो प्रचार करके कमाते हो, दूसरी बात आपके साइट पे बहुत सारी दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट बिकता है, सैमसंग का बिकता है, ऐसे ही जितनी भी कंपनियां हैं एप्पल के बिकते हैं, सारे के सारे अलग अलग कंपनियों के बिकते हैं, तो आप तो व्यापार भी कर रहे हो, गुड्स भी सेल कर रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट के साथ गुड्स भी सेल कर रहे हो, देन इसीलिए आपको 2% एक्स्ट्रा जो है सर्विस टैक्स देना पड़ेगा भारत में। अब कहानी जब यहां से शुरू होती है तो फिर बातें अमेरिका तक पहुंच गई, और यूएस ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम भी आप पर टैक्स लगाएंगे, वो जो अनाज वनाज आप भेजते हो ना उस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो हमने कहा लगा लो, हम तो कोई गूगल फेसबुक आपके यहाँ भेजते नहीं है, तो आप कौन सा डिजिटल सर्विस टैक्स लगा लोगे। तो यूएस ने कहा हम डिजिटल सर्विस टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आप पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे 25% का।
अब परेशानी हो गई, भारत के लोग परेशान हो गए कैसे हमारा सामान बिकेगा। तो भारत ने कहा ऐसा है कि देखिए हम आप पे डिजिटल सर्विस टैक्स अकेले नहीं लगा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे देश हैं ना, ऑस्ट्रिया भी है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आपके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो इसलिए आप केवल हम पर ये जुल्म ना करिए। तो इस पे बात हुई और अमेरिका ने इस बात को कंसीडर किया, तो अमेरिका ने 6 महीने तक का समय दिया हुआ है कि 6 मंथ्स तक हम अभी भारत समेत सभी देशों पर टैक्स के लिए बात काम नहीं करेंगे। और इस पर अमेरिका ने कहा कि OECD और जो G20 समूह है ये सब मिलकर के क्या करें, बात करें कि ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, जो डिजिटल टैक्स भारत लगा रहा है ये सही है या नहीं है। तो दो जो मैंने संगठन बताए, एक OECD का नाम दिया, जैसे आप बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये बड़े लोगों मतलब अमीर देशों का एक समूह है, और उस अमीर देश के समूह में जो है वो कौन नहीं है, भारत शामिल नहीं है, ये आप देख रहे होंगे। और ये OECD और एक G20 का नाम दिया, तो G20 जो है जिसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था, ये भी इकोनॉमिक्स पे ही डील करती है, इकोनॉमिक्स पर ही कहाँ पे बढ़ घट रहा है टैक्स वैक्स, इस पर ध्यान देती, भारत भी इसका एक सदस्य है। तो G20 और क्या कहते हैं ये लोग मिल करके इस पर चर्चा करेंगे, इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि अभी हम 6 महीने तक इसको रोक रहे हैं। हालांकि एक खबर आपको अपडेट कर दें, ये चीज़ हो चुकी है कि G20 लोग के मेंबर्स ने कहा है कि डिजिटल सर्विस टैक्स मैक्सिमम 15% तक लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम चल के इसको डिस्कस कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी, ये कुछ देश थे, ऑस्ट्रिया, भारत, इटली, स्पेन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम ना, इन सब ने भी डिजिटल टैक्स लगाया। तो भारत ने कहा जब इतने लोग लगाए तो हमको क्या अकेले टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो 6% 6 महीने के लिए टाल दिया गया है, बाकी देखा जाता है। तो मुझे लगता है अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या था ये डिजिटल टैक्स। साथ ही में आपको यह भी समझ में आया होगा कि टैक्स डिजिटल टैक्स कैसे लगाया जाता है, क्यों है, और पूरी 2016 से पूरी अभी तक की कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या पूरा मामला है। ठीक है, हाँ, ये जो डिपार्टमेंट है आप देख रहे हैं, USTR, तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिलेशन जो डिपार्टमेंट है, जिसकी वो ताई जी कैथरीन ताई जो जिन्होंने अनाउंस किया था, तो ये अमेरिका का डिपार्टमेंट है। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि DST जो है एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब हमारे साथ भेदभाव है। ठीक है, और इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी सब बेस को लेते हुए उन्होंने टैक्स लगाने की बात की थी, लेकिन अंततः उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के लिए टैक्स सस्पेंड कर रहे हैं, 6 महीने तक नहीं लगाएंगे, 6 महीने बाद देखते हैं क्या पूरा मामला है। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। हाल ही में केंद्र ने सिविल सेवकों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया है। ठीक है, अब पेंशन नियम में संशोधन जो किया है, वो पेंशन नियम आया कब था, तो बच्चों याद रखिए वो 1972 में आया था। पेंशन नियम में क्या संशोधन हुआ है, ये कुछ कहानी ऐसी है, जैसे आप सुनते होंगे कि लोग किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में रहते हैं या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कहीं पर रहते हैं, और जब वो हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो बाहर जाकर के अपनी बड़ी बड़ी कहानियां बताते हैं कि भाई हम वहां पे जासूस थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और इस सब स्टोरीज को बता करके बुक बुक निकाल करके बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। तो सरकार ने कहा देखो आप जब सर्विस में थे तो आप क्या कर रहे थे, आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में थे और आप इसको हिडन रखते थे, तो आप इसके बाद भी हीरो नहीं बनेंगे, बाहर जाकर के चीजें नहीं बताएंगे, एक था टाइगर नामक पिक्चर नहीं बनवाएंगे अपने नाम पे, या कोई मूवी नहीं बनवाएंगे, या कोई क्या कहते हैं किताब नहीं छपेगी आपकी, ऐसी सारी चीजों पे अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम अगर आप करते हैं तो यह गलत होगा। ये आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह जी, ठीक है, इस विभाग के विभाग डायरेक्ट PMO के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके जो स्टेट के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर स्टेट, वो जितेंद्र सिंह जी हैं। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी आपसे दे दी गई, ये कब का वो था, क्लॉज था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्लॉज जो था वो 1972 का था, 1972 के इसी क्लॉज में चेंज किया गया है। इसका मतलब है कि आप एक बात और भी जानते हैं कि जब कोई डिपार्टमेंट आदमी ज्वाइन करता है तो उसके तहत वो कोई सीक्रेट चीजें शेयर नहीं कर सकता, और RTI के माध्यम से भी हम वो सारी सीक्रेट चीजों को नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो इस जो पेंशन रूल के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत वो सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी पर्सनल में काम करते थे, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, वो चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे क्या कहते हैं वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे रिसर्च एनालिसिस डिपार्टमेंट हो, चाहे CBI हो,
ठीक है ना, ये सारे के सारे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे सीएपीएफ के अंतर्गत जितने भी होते हैं, असम राइफल, सीआईएसएफ, एसएसबी ना, जितने भी होते हैं, डीआरडीओ, इन सब के बारे में ये पेंशन लागू होगी। और ये कोई भी सीक्रेट चीज अपनी पूरी लाइफ शेयर नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों की तो आधी किताबें छपी होंगी जो रुक गई, रुक जाएंगी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आर्टिकल 19(1) जो है वो एक तरीके से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने एक और आर्टिकल पढ़ा हो, आर्टिकल 33, तो शायद आपको बातें और क्लियर हो जाए। आर्टिकल 33 में साफ साफ कहा गया है कि जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं उनके अनुच्छेद 19 के तहत जितनी भी स्वतंत्रताएं होती है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब उनके पास यह अधिकार नहीं होता है कि चीजों को डिस्क्लोज करें। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं, अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, पेंशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कहानी आपने समझ लिया होगा मुझे लगता है। ठीक है, कोई डाउट कोई भी चीज तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कह दिया कि भाई बार्स रिटायर्ड इंटेल एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फ्रॉम पब्लिशिंग इन टू विदाउट क्लियरेंस। सरकार जब तक आदेश नहीं देती है आप किसी चीज को पब्लिश नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करवाएंगे, ना तो अपनी मतलब बताते समय कि मैं ये था वो था, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंशन आपकी रोक दी जाएगी। चलिए, एक बहुत ही अच्छी खबर है, चाइना ने एक सूर्य बनाया हुआ है और वो सूर्य आर्टिफिशियल सन है। आपको सुनकर के हैरानी हो रही होगी लेकिन एकदम सच है। ठीक है, चाइना ने कृत्रिम सूर्य जो है वो बनाया है, जिसका नाम रखा है ईस्ट। ईस्ट वो पूरब वाला नहीं, ये ईस्ट जो है आपको सर्च करके मुझे बताना है ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है, हालांकि मैं इसके बारे में और चर्चा करता हूँ। आर्टिफिशियल सन किसने बना लिया है, चाइना ने बना लिया है। तीन ऐसे सूर्य यह बनाना चाहता है, जिसका पहला वो ईस्ट नाम का वो बना लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है सूर्य के जो कोर में जो टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं कि जो सूर्य का रोशनी यहाँ पे 40 डिग्री होती है, ये नहीं, वहां पे जो कोर पे टेम्परेचर होता है उस कोर के टेम्परेचर से 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट कर सकता है। बेसिकली सूर्य की एनर्जी को हम लोग रीयूजेबल एनर्जी में रखते हैं, उससे सोलर पैनल के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से लोग क्या वो क्या कहते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। तो चाइना ने कहा भाई क्यों उतना दूर जाना, हम अपने यहाँ ही सूर्य बना दे रहे हैं। तो उन्हें ईस्ट नाम का एक सूर्य बनाया हुआ है। ईस्ट का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो मशीन आपको दिख रही है इसी का नाम ईस्ट है, और इसी के द्वारा ये जो आर्टिफिशियल सन है वो बनाया गया। इसकी इमेज थोड़ी सी क्या कहते हैं जूम्ड आप देख सकते हैं किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज हेफई में जो है वहाँ के इंस्टीट्यूट द्वारा यह बनाया गया है। ठीक है, तो इस पूरे रिसर्च को आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो उनके हेड हैं, उनका नाम है ली मियाओ। इनका नाम भी गजब है, एक अभी माओ था और एक अभी मियाओ है। ये डायरेक्टर हैं उस डिपार्टमेंट के, फिजिक्स डिपार्टमेंट के, और इन्होंने ही इसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो कृत्रिम सूर्य जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे कि सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से रीजनरेशन होता है लगातार कंटिन्यूअस, वैसे ही एकदम उसी प्रोसेस पे इसे बनाया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रोसेस का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फिशन होता है। ज्यादा जानकारी के लिए कभी इस पे एक अलग से वीडियो लाके बता बता देंगे आपको। ठीक है, या आप नेट पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, और उसे क्या कहते हैं जो है वो 10 गुना ज्यादा, देख रहे हैं आपकी जो उसका सूर्य का टेम्परेचर है उससे 10 गुना ज्यादा, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, अब भाई यह है बड़ी ही सरप्राइजिंग चीज, लेकिन सत्य है, आपको जानना चाहिए। एक और बात आपको बता देते हैं इटर के बारे में। इसके माध्यम से भारत भी प्रयास कर रहा था कि क्या कहते हैं ये फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ये लोग भी कृत्रिम सूर्य पे बात कर रहे थे, बट इट हैज नॉट बीन स्टिल इनिशिएटेड। ठीक है ना, ये इटर के अंतर्गत भारत के जितने लोग थे वो 500 मेगावाट का सूर्य बनाने की बात कर रहे थे, बट अभी इस पे कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे आर्टिफिशियल जो सन है 160 मिलियन तक का टेम्परेचर बना चुका है। हम अभी 120 ही बता रहे थे, 160 मिलियन
सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि मतलब इट इज़ अप्रॉक्स 10 टाइम्स ऑफ सूर्य का जो टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ईस्ट नाम का सूर्य आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें लिखा हुआ है, हाल ही में किस अभिनेत्री द्वारा 5G ट्रायल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई। तो भैया ये अभिनेत्री जो है वो जूही चावला जी हैं, और इनको इसके लिए कोर्ट ने मना भी कर दिया कि आप जो ये फाइल कर रहे हैं ये उचित नहीं है और इससे कोई रेडिएशन नहीं फैलता है। तो अभी हाल ही में पर्यावरण की नई नई जो विद्वान बनी जूही चावला जी, उन्होंने कोर्ट में इस बात का दाखिला करवाया कि भाई 5G ट्रायल को रोक दिया जाए। और एक और इसमें बड़ी अच्छी अच्छी क्या हास्यास्पद खबर है कि अब चूंकि कोर्ट ऑनलाइन ही चल रही है, तो कोर्ट द्वारा एक लिंक शेयर किया जाता है जिसपे सुनवाई होनी थी, तो ये मैडम इन्होंने लिंक जो है वो पब्लिक कर दिया सुनवाई करने के लिए, और उसमें बहुत सारे इनके जो फॉलोअर्स थे वो भी जुड़ जाते हैं, जिनमें से एक महानुभाव थे, इनके फैन जो हैं वो लगातार गाना गा रहे थे, जिसकी वजह से कोर्ट नाराज हो जाती है और उस व्यक्ति पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाए जाने का आदेश देती है। मामला कुछ और ही हो गया, वो कुछ और रहा था, और इन्हें जूही चावला जो को भी ये इस बात का वार्निंग दिया जाता है कि क्या कहते हैं, झूठी पब्लिसिटी के लिए आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया, जूही चावला 5G पिटीशन, दिल्ली हाई कोर्ट वार्न्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस टू फैन बॉय सिंगिंग सॉन्ग फ्रॉम एक्टर्स मूवी ड्यूरिंग द हियरिंग। ठीक है, वो जूही चावला को सुनाने के लिए, ऐसा कभी भी होता है, आप जानबूझ करके वो कर रहा था नहीं कर रहा था, आप लिंक में कनेक्ट हो गया, उसको क्या पता उसकी आवाज़ वहाँ जा रही होगी, बट क्या कहते हैं उसकी आवाज़ से कोर्ट को दिक्कत हुआ और कोर्ट ने कहा पकड़ो पहले इसे, गाना गवाओ इससे पहले। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5G की जितनी भी अफवाह थी ये बेसलेस है। ठीक है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सरकार ने ऐसा साफ साफ कह दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 6, किस IIT ने अपनी तरह का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाया है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे इसके बारे में सबसे पहले, ठीक है, तो डिस्कस कर रहे थे और यहां से आपको आंसर भी मिल जाएगा कि IIT रूपर जो है उसने एक MBTech नाम का एक क्या कहते हैं टेम्परेचर, मतलब कैलकुलेटर मान लीजिए कि आप कहीं पर भी इसके टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं इस डिवाइस के माध्यम से। तो ये MBTech किसने लॉन्च किया है, वो रोपर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि पंजाब के रोपर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने अपनी तरह का पहला, ठीक है, MBTech मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स MBTech विकसित किया है। संस्थान ने कहा कि डिवाइस खराब होने वाले उत्पादों, शरीर के अंगों और रक्त टीकों आदि के परिवहन के दौरान रियल टाइम परिवेश का तापमान रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है ना, तो ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, -40 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, हाल ही में किसने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। तो इफको ने पेश किया है। ठीक है, नैनो यूरिया लिक्विड का मतलब है ये यूरिया ही है बस, उसका जैसे अभी आप पूरी बोरी डालते थे एक पूरे खेत में, तो अब एक बॉटल होगी, छोटी सी बॉटल भी डाल देंगे तो उससे काम हो जाएगा, एफिशिएंट रहेगा, तेज काम करेगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट लिक्विड यूरिया जो है किसने लॉन्च किया है, इफको ने लॉन्च किया है। ठीक है, इफको आप जानते ही हैं, ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, और इसे आप यूज़ करके यूरिया का रिप्लेसमेंट देख सकते हैं। ठीक है ना, इफको की 50वीं वार्षिक आम सभा में, ठीक है, ये चीज़ें अनाउंस की गई हैं। अगर इफको के बारे में आप देखते हैं तो इफको के बारे में भी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इफको कब रजिस्टर्ड हुई थी, 1967 में ये प्रश्न बना हुआ है, इफको कब की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में निधि प्रयास कार्यक्रम के तहत मास्क और PPT के पुनः उपयोग के लिए कौन सी कीटाणु शोधन प्रणाली, कीटाणु शोधन शोधन का मतलब है कीटाणु को समाप्त करने वाला, मैंने अभी आपको बताया था ऐसा कवच कहीं है। ठीक है, नीर कवच। ठीक है, तो कवच, वज्र कवच, आई होप वज्र कवच होना चाहिए, वाई वो एक तरीके से अल्ट्रावायलेट डिस इन्फेक्शन सिस्टम है।
ठीक है। डिसइन्फेक्शन सिस्टम का मतलब है आप उसे क्या कर सकते हैं, अपनी पीपी किट को क्या कर सकते हैं, डिसइन्फेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी मशीन दिख रही है, ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये जो मशीन है इसी में आप पीपी किट, मास्क वास्क सब ये ऐसे कुछ रख सकते हैं, ठीक है, और इन्हें फिर से सैनिटाइज कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से फिर से प्योर कर सकते हैं, रीयूजेबल कर सकते हैं। तो वज्र कवच जो है ये एक प्रकार का मतलब इन्फेक्शन को ख़त्म करने का एक मेथड है, ठीक है, तो वज्र कवच याद रखिएगा। आईसीएमआर ने हाल ही में दूसरी परीक्षा कोरोना रैपिड एंटीजन को मान्यता दे दी है। तो पहली कोविशील्ड आप जानते ही थे, ठीक है, अब जो है पेन बायो कोविड-19 नामक एक सेल्फ जो है मॉनिटरिंग के लिए, कोरोना टेस्ट करने के लिए, सेल्फ मतलब खुद से ही टेस्ट करने के लिए स्व परीक्षण कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। तो कौन सी है, पेन बायो कोविड-19, पहले कौन सी थी, कोविसेल्फ, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आईसीएमआर का फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ये है पेन बायो कोविड-19, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस लेक्चर का, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाए हैं आप, तो 1 जून को मनाए हैं, ठीक है, ठीक है भाई। आज के लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर के और जानकारी को लेकर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, कीप स्टडी।